नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं लुम्बिनी। जी हां, लुम्बिनी यानी नेपाल का एक स्थान लुम्बिनी, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है रुमनदेही डिस्ट्रिक्ट है। और मेन जो लुम्बिनी प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है बुद्ध के जन्म स्थान के लिए, क्योंकि बुद्ध का जन्म जो हुआ था इसी लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध के बचपन का नाम आप जानते हैं सिद्धार्थ था, लेकिन ये लुम्बिनी प्रसिद्ध क्यों है? तो बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ जब उनकी माता महामाया अपने घर जा रही थी, यानी अपनी माँ के पास जा रही थी, उसी समय उनको प्रसव पीड़ा होती है और रास्ते में ही बुद्ध का जन्म हो जाता है। और फिर ये कार्यक्रम तो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन ये जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक रुक जाते हैं युद्ध करते हुए और वो बौद्ध बुद्ध को ग्रहण करते हैं यानी बौद्धिज्म को मानते हैं, तब वो उनकी एक बौद्ध यात्रा होती है। बौद्ध यात्रा यानी बुद्ध का जहाँ जहाँ जन्म हुआ, बुद्ध ने जहाँ शिक्षा प्राप्त की, बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई, बुद्ध ने जहाँ पहला उपदेश दिया, बुद्ध ने अपना जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, उन स्थानों पर अशोक जाते हैं और जा कर के वहाँ शिलालेख लगाते हैं। तो बुद्ध का अशोक का शिलालेख यहाँ पर भी है। ये देखिए वो मंदिर है, आपको दिख रहा होगा, ये वो मंदिर है जो कि अभी बना है, लेकिन इसके अंदर अशोक द्वारा बनाया हुआ वो मंदिर है। और इसके नीचे से आप हल्का सा देख सकते हैं वो शिलालेख आपको दिख रहा है। तो यही इसे इस शिलालेख को रुमनदेही शिलालेख के नाम से जानते हैं। रुमनदेही शिलालेख अशोक ने इसी लुम्बिनी में लगवाया था, और उस रुमनदेही शिलालेख में उन्होंने मेंशन कराया है कि किसी भी यहाँ के निवासी को कोई भी कर नहीं देना होगा, कोई भी लगान नहीं देना होगा। तो धीरे धीरे अशोक ने सारी यात्राएं की, वो सारी, ये पूरा एरिया अभी महामाया टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बहुत ही खास जगह है। अगर रुमनदेही स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो इसे रुमनदेही स्तंभ लेख भी कहते हैं या लुम्बिनी स्तंभ लेख भी कहते हैं। नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है अशोक स्तंभ पर इस ब्राह्मी लिपि में अंकित संदेश है, जिसकी खोज दिसंबर 1869 में आइलोइस एंटन फूहर ने की थी। इसी क्षेत्र में पास में ही एक दूसरा प्रसिद्ध अभिलेख मिला है जो इसी विषय से संबंधित है। अगर इसके बारे में और बात करें कि किस प्रकार अशोक को ज्ञान प्राप्त हुआ या अशोक ने किस प्रकार से इनको बनाया, तो अशोक के जो गुरु थे, कहा जाता है कि जो अशोक के गुरु थे वो उपगुप्त थे, चूँकि अशोक जो हैं वो मौर्य वंश से संबंधित हैं, और मौर्य वंश जो है ये नंदों के बाद मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश से संबंधित हैं, मौर्य वंश के संस्थापक हैं, लेकिन वो बौद्धिस्ट नहीं हैं, वो बौद्ध बुद्ध को नहीं मानते, वो जैनिज्म हैं, वो जैन धर्म में विश्वास करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर उनका पुत्र आता है बिंदुसार, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में यानी मखली गोसाल जिसके संस्थापक हैं आजीवक संप्रदाय में, वो उसमें विश्वास करते हैं। और उसके बाद जब अशोक आते हैं तो अशोक बुद्धिज्म में भी विश्वास करते हैं। तो अशोक बुद्ध के विकास के लिए यानी बौद्धिज्म के विकास के लिए पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्तमान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराते हैं। कहा जाता है कि जब अशोक की मृत्यु होती है, या यूं कहें कि जब मौर्य वंश समाप्त होता है, तो मौर्य वंश के समाप्त होने के होते उसका जो आखिरी शासक है बृहद्रथ, तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग राजा बनता है। और पुष्पमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए हुए 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया जाता है। एक और लेख में ये बात मेंशन है, पुष्पमित्र शुंग का कथन था कि आप एक बौद्धिष्ट का सर लाइए और 100 दिनार, दिनार यानी उस समय की स्वर्ण मुद्रा है, 100 दिनार लेके जाइए। तो ये काफ़ी, मतलब उससे ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से बौद्धिष्ट भागने लगे, और जहाँ जो ओरिजिन क्षेत्र था जहाँ बुद्धिज्म जन्मा वहाँ से बुद्धिज्म ख़त्म हो, पूरे हिंदुस्तान से बौद्धिष्ट भाग करके बाहर के देशों में जाके बसने लगे। अशोक के अगर बारे में बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बाहर के देशों में, श्रीलंका
वगैरह वगैरह देशों में भी भेजा था ताकि वो अशोक के धर्म का प्रचार कर सके, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। और अशोक ने स्वयं बौद्धिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक समय तो ऐसा आ गया था पूरे हिंदुस्तान में कि 16 संस्कारों से तंग हो करके हिंदुज्म का नाश होने लगा और लोगों ने बौद्धिज्म को ग्रहण कर लिया। बुद्ध इतना ज़्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में हुए कि लोगों ने यानी हिंदुज्म ने यही स्वीकार कर लिया कि बुद्ध ही क्या है, वो विष्णु के अवतार हैं। अगर बात करें एक शब्दों में कि बौद्धिज्म क्या है, तो बुद्ध कहते हैं कि उस समय विशेष में, उस काल में आपका मस्तिष्क जो कहे वही बौद्धिज्म है। ये बात वो आनंद से कहते हैं। अलग अलग समय पर बुद्ध को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध संगतियाँ हुई। 483 में बौद्ध संगति होती है, ये पहली बौद्ध संगति थी जब राजगृह में बौद्ध संगति होती है। राजगृह उस समय मगध की राजधानी थी, तो राजगृह में बौद्ध संगति होती है, पहली बौद्ध संगति। और उसके उस समय राजा होते हैं अजातशत्रु और अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। तो उनकी अध्यक्षता में और अजातशत्रु के नियंत्रण में राजगृह में, उनकी राजधानी क्षेत्र में ये पहली बौद्ध संगति होती है। लेकिन अब इससे दुखी होकर उदयन, यानी उदयन कौन है, तो उदयन है अजातशत्रु का पुत्र। तो अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन, वो दुखी हो गया, अपने पिता से दुखी हो गया कि आपने अपनी राजधानी का पूरा ब्यौरा दूसरों क्यों दे दिया, क्योंकि इतने दूर से लोग आए यहाँ पे टिके और आपने पूरा ब्यौरा, उन्हें पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये गलत है। तो इसी बात को लेकर और भी बहुत सारी बातों को लेकर उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि उसने अजात शत्रु को मार दिया। और उससे पहले अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। बिंबसार कौन है, तो बिंबसार बुद्ध के समकक्ष हैं। एक बार जब बिंबसार और बुद्ध मिले, उस समय बुद्ध नहीं थे, उस समय इनका नाम सिद्धार्थ था, तो जब बिंबसार और बुद्ध मिले तो बिंबसार ने कहा था मुझे पता है आप ज्ञान की खोज कर लेंगे, लेकिन एक बात, एक मुझे वचन दीजिए कि ज्ञान की खोज जब आप करेंगे तो वो ज्ञान मुझे भी बताएंगे। तो वो ज्ञान बताने के लिए बुद्ध आते हैं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बिंबसार को ज्ञान बताने के लिए बुद्ध आते हैं और उन्हें बताते हैं। लेकिन बिंबसार की हत्या हो जाती है उन्हीं के पुत्र के द्वारा, जिनका नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या हो जाती है उन्हीं के पुत्र द्वारा, जिसका नाम है उदयन। और उदयन ने ही शहर बसाया नया, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो शहर था उसकी स्थापना उदयन ने की है। और उदयन कौन है, तो उदयन पुत्र है अजातशत्रु का। अब लेकिन आप पाटलिपुत्रा को कन्फ्यूज मत करिएगा पटना से, क्योंकि पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो पटना की स्थापना शेरशाह सूरी करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है, और राजगृह की स्थापना बिंबसार करता है, और मगध की स्थापना कौन करता है, तो ये करता है बृहद्रथ। और ये बृहद्रथ कौन है, ये बृहद्रथ है जरासंध के पिता। तो आप इसे धीरे धीरे समझिएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रथम बौद्ध संगति होती है, और प्रथम बौद्ध संगति में ही कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु पर ही होती है। अब बुद्ध की मृत्यु हुई, तो अब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनारा में। कहाँ होती है, कुशीनारा में, यानी वर्तमान उस समय तो वन था, लेकिन आज के समय में वो वन नहीं है। आज के समय में तो काफ़ी अच्छा शहर डेवलप हो गया है। तो आज के समय में कुशीनारा एक बेहतरीन शहर है, आज के समय उसे कुशी नगर कहते हैं। तो बुद्ध की वहाँ मृत्यु हो जाती है, बुद्ध की प्रतिमा आज भी वहाँ लेटी अवस्था में है। तो बुद्ध की मृत्यु होती है, और वहीं पर अब बात आती है कि बुद्ध की मृत्यु कैसे होती है। तो बुद्ध की मृत्यु होती है, एक चुंग नामक व्यक्ति था, उसके यहाँ बुद्ध मांस खा लेते हैं, और मांस था सुअर का। उनके भिक्षुओं के साथ बुद्ध बैठते हैं और मांस खाते हैं, मांस सुअर का है, लेकिन वो पका नहीं है, सुअर का मांस अच्छे से पका नहीं। अब आप सोचेंगे कि बुद्ध मांस क्यों खाते हैं, तो बौद्धिज्म में एक बात है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। बौद्धिज्म जैसे जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, या बुद्ध स्वयं, बुद्ध कुछ भी खा सकते हैं। अगर वो भिक्षा पात्र किसी के सामने फैलाएं और भिक्षा पात्र में कोई मांस का टुकड़ा ही डाले, तो वो उन्हें खाना पड़ेगा, और वो खाते भी हैं। तो इसी प्रकार जब बुद्ध आते हैं और चुंग के सामने वो भिक्षा पात्र फैलाते हैं, और चुंग उन्हें सुअर के मांस का टुकड़ा देता है,
और वो भी अधपका, तो बुद्ध उसे खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन उसी की वजह से 82 वर्ष की उम्र में बुद्ध हैं, और 82 वर्ष की उम्र में बुद्ध की उसको खाने से मृत्यु हो जाती है, मृत्युकारी हो जाती है। और वो जो वन था, यानी उस समय जो गति कर रहे थे बुद्ध, उस समय कुशीनारा में थे, और उसी कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया था। अपने जीवन का सबसे ज़्यादा वर्षावन जो बिताया था वो भी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में बिताया था। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो भी उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया था। तो यहाँ इस प्रकार बुद्ध की वहाँ मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत उनके शव को जला दिया जाता है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो उनकी शव को जला दिया जाता है। शव को जलाने के बाद वहाँ पे युद्ध की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि सारे लोग उनके अस्थियों को लेना चाहते हैं। अब अस्थियों को लेना चाहेंगे तो उसके लिए युद्ध की स्थिति आती है। तब द्रोण नामक एक ब्राह्मण आता है, और वो द्रोण नामक ब्राह्मण कहता है ठीक है आप लोग लड़िए नहीं, और उन अस्थियों को 8 भागों में बांट देता है। अब 8 भागों में उसने क्या कर दिया, बांट दिया। अब 8 भाग उन राजाओं को दे दिया जाता है, और भारत का जो पहला स्तूप बनता है इसी उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर में बनता है, और उसका नाम है पिपराहवा स्तूप। तो पिपराहवा स्तूप वहाँ पे निर्माण होता है, पहला स्तूप। और ऐसे ही करके वो 8 स्तूप बनते हैं। उन्हीं 8 स्तूपों में से एक स्तूप है सांची का स्तूप, जो बाद में बनवाते हैं, कहा जाता है अशोक बनवाते हैं। इसी में स्तूपों में है, कहा जाता है सारनाथ स्तूप, जो भी अशोक का ही द्वारा बनवाया गया है। तो इस प्रकार से ये बुद्ध का, बुद्ध की मृत्यु के साथ होने वाला ये प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति 383 में होती है। 383 में बौद्ध संगति होती है, कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में होती है। होती है, और उस समय जो राजा होते हैं वो कालाशोक होते हैं। तो अब राजा कौन है? कालाशोक है, और कालाशोक के ही जो सेनापति हैं वो कौन हैं? तो वो हैं कालाशोक के सेनापति महापद्मनंद। और अब आप सोचेंगे कि महापद्मनंद कौन है? तो महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक हैं। महापद्मनंद अपने समय में लगभग पूरे हिंदुस्तान को, कहा जाता है कर्नाटक तो महापद्मनंद ने जीत लिया था। तो महापद्मनंद कर्नाटक तक पूरे भाग को क्या करते हैं? जीत लेते हैं। अब महापद्मनंद जब देखते हैं कि कालाशोक को पूरे शासनकाल में हम ही शासन कर रहे हैं, पूरा हम ही जीत रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ही राजा बन जाए? तो महापद्मनंद कालाशोक की हत्या करते हैं। पहले तो उसके पुत्रों की हत्या करवाते हैं, और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं, यानी कालाशोक की हत्या कर देते हैं महापद्मनंद, और स्वयं क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। स्वयं राजा बनने के बाद अब उन्होंने नंदवंश की स्थापना कर दी, और नंद वंश की स्थापना के बाद, लेकिन ज़्यादा नंदवंश चल नहीं पाता है। नंदवंश की स्थापना के बाद फिर चाणक्य का अपमान होता है, और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो यहाँ पर ये हो गया द्वितीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो होती है वो होती है अशोक के शासनकाल में, यानी मौर्य वंश का संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र हैं बिंदुसार, और फिर उनके पुत्र हैं अशोक, और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति होती है। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक करवाते हैं, और उस चौथी बौद्ध संगति फिर होती है कनिष्क शासनकाल में, और ये होती है कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में, और कश्मीर में उस समय राजा हैं कनिष्क, और उसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। और एक भाग यानी में बुद्ध को भगवान माना जाता है, हीनयान में बुद्ध को व्यक्ति माना जाता है, और महायान में बुद्ध को भगवान माना जाता है। और इसके बाद कनिष्क पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि वर्तमान अफगानिस्तान में ही 84,000 बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाते हैं। और फिर बौद्धिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन फिर जब 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जब इस्लाम का आगमन होता है भारत में, तब फिर से बौद्धिज्म का अंत होता है। वर्तमान समय में भी आप देख सकते थे अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, तो इसका मतलब है कि वो जो अफगानिस्तान वाला पूरा रीजन था वहाँ पर बौद्धिष्ठा ही रहते थे, यानी बुद्ध बौद्ध लोग रहते थे। लेकिन फिर इस्लाम का आगमन होते गया और उधर से पूरा सफाया हो गया, और वहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम का आधिपत्य हो गया, इस्लाम बस गया। तो ये था पूरा बुद्ध का मतलब संक्षिप्त की कि बुद्ध कैसे थे, क्या कहा, बुद्ध ने कैसे क्या किया, बुद्ध कहाँ पैदा हुए, बुद्ध कहाँ मरे, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें बुद्ध की थी। हाँ, एक बात और, बुद्ध की जो पहली भिक्षुणी थी बौद्ध भिक्षुणी, वो उन्हीं की माँ थी गौतमी, ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।